हेलो फैमिली तो अभी आपने अपना नीट का पेपर दे दिया है तो सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाइए आपने अभी जितनी मेहनत आपने की थी वो अभी आपने दिखा दी है तो अभी आपका पेपर जैसा भी हुआ हो अच्छा हुआ हो बुरा हुआ हो सबसे पहले रिलैक्स कीजिए अपने आप को अभी अभी बिल्कुल टेंशन मत so, लीजिए ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनने अगले साल नीड देना है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव वाले बच्चों के लिए ताकि वो पेपर के लेवल को देख के अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सके सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम लेट्स क्विकली अटेंड द वीडियो सो स्टार्टिंग विथ द फिज़िक्स आई वुड लेबल फिजिक्स रेंजिंग फ्रॉम इजी टू मॉडरेट बिकॉज जो क्वेश्चन थे फिजिक्स के वो कंसेपचुअल कम लगे मुझे एंड वो ज़्यादा फार्मूला बेस्ड ज़्यादा थे एज लाइक मतलब बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन थे लेंथ ही नहीं थे सिंपली आपको अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो फार्मूला पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा देवर देट ईजी और सेकेंडली मुझे एक लगी चीज़ कि इक्वल प्रपोर्शन में इलेवेंथ और ट्वेल्थ का सिलेबस था ऐसा नहीं था कि एक का ज़्यादा हो दूसरे का कम इक्वली डिवाइडेड थे सो योर प्रिपरेशन फॉर बोथ इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ नीड टू बी इक्वली स्ट्रॉन्ग फिर इसके बाद क्या था कि जो सेक्शन ए और सेक्शन बी का पेपर था सेक्शन बी वाज बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन सेक्शन ए उसके के क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी भी थे और वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मतलब ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड भी थे सेक्शन ए वाज कम्प्लीटली फार्मूला बेस्ड सेक्शन बी में आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट लगाना पड़ेगा लेकिन दैट वर टू नॉट दैट डिफिकल्ट अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट आते हो तो आपका सेक्शन बी भी बहुत ईजिली और अच्छे से अटैम्प्ट होगा थोड़ा सा केयरफुल होके मतलब क्वेश्चन पढ़ने का और ऑप्शन uh, देखने का था ओवरऑल इट वॉज ऑन अ मॉडरेट साइड देन आई वुड सजेस्ट दैट फिजिक्स पेपर को देख के मुझे लगता है कि आपका रट्टाफिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए ज़्यादा जिस हिसाब से आज का 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 इस बार का फिजिक्स का पेपर आया आपके की रट्टा की शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए जो मैं बोलती हूँ ना हर बार कि फॉर्मूला लिख के अपने टेबल के या बेड पे बस चिपका लो और सोने से पहले एक बार जरूर देखना है जरूर ही देखना है अगर आपने वैसा किया होता ना तो आपके पक्का पक्का फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस ठीक होने थे इसके बाद आगे आती है अगर मैं चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखूँ तो ज़्यादातर क्वेश्चन ईजी वाले चैप्टर्स में से थे जैसे ट्वेल्थ के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो इजी ऐसी चैप्टर्स हैं उनमें से क्वेश्चन ज़्यादा थे और जो डिफिकल्ट वाले चैप्टर लाइक सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर से आपको दो तीन क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं मिलेंगे और ऑसिलेशन और वेव्स कुछ बच्चों को वो भी डिफ़िकल्ट लगते हैं तो उनमें से तीन चार क्वेश्चन थे और वो भी बहुत ईजी वाले साइड मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत भी उसके रिलेटेड कंसेप्ट पता है ना तो आप ईजिली कर दोगे सो so, मतलब मैं ओवरऑल ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको फिज़िक्स का थोड़ा बहुत भी कुछ आता हो ना तो आप 130 से 140 नंबर इस पेपर में आराम से ले लेते हैं मेरे से लिख के ले लीजिए आप तो इसलिए आपको फिज़िक्स के लिए इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है वो आपके ऐसे 130 से 140 नंबर आराम से आ जाएंगे